गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने किसका यूज़ देखा था, मी और यू का यूज़ करा था। आज हम अपनी प्रोनाउंस जो हमारे लेफ्ट ओवर है उनके बारे में रीड करेंगे। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की तरफ देखिए। जिया हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। आई गेव हर द बुक यस्टरडे। आई लाइक्ड द मूवी वी वॉच्ड इट यस्टरडे। In the sentences, all the words in red are used to talk about a single person or thing. In sentences में जो words red में use किए गए हैं वो single person के लिए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग में लिए गए हैं। We use the pronoun him to talk about a boy or a man. Him का use हम किसी boy या man के लिए करते हैं। We use her to talk about a girl or a woman. Her का use हम किसी girl या woman के लिए करते हैं। The pronoun it is used for an animal or an object. जो pronoun it है वो किसी animal या object के लिए use में लिया जाता है। Examples देखिए। The children called him to the farm. The police helped her. Suresh found a box. It had colorful balls. Question number 3 देखिए। Fill in the blanks with correct pronouns given in bracket. ब्रैकेट में आपको प्रोनाउंस दे रखे हैं वो आपको फिल करने। जाइद आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कम विद हिम। शी लॉक्ड हर साइकिल टू कीप इट सेफ। द डॉग वॉज हैप्पी। द चिल्ड्रन गेव इट फूड। दिस इज माई पेंसिल। आई लाइक राइटिंग विद इट। शीनाज फादर गेव हर अ पैनकेक टू ईट। तो जब भी किसी बॉय या मैन की बात करेंगे तो वहाँ पर हिम का यूज़ होगा। जब किसी गर्ल या वुमेन की बात करेंगे तो वहाँ पर हर का यूज़ करते हैं। और जब किसी एनिमल और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस। अब आगे देखते हैं। आर टीचर टॉट अस प्रोनाउंस टुडे। हमारी अस का यूज़ और देम का यूज़ देखेंगे इसमें हम। द प्रिंसिपल कॉल्ड देम टू हर ऑफिस। बोथ अस एंड देम आर यूज्ड टू टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। अस और देम का यूज़ ग्रुप ऑफ यानी पूरे एक समूह के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अस एंड देम आर यूज इन प्लेस ऑफ मोर देन वन पर्सन। अस और देम का यूज़ एक से ज़्यादा पर्सन यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वैन वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप अबाउट विच वी आर टॉकिंग वी यूज द प्रोनाउन अस। अगर हम उस ग्रुप की उस समूह की बात कर रहे हैं जिसमें हम खुद हैं तो उसके लिए हम अस का यूज़ करते हैं। वैन वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप वी यूज़ देम। और अगर हम उस ग्रुप का उस समूह का पार्ट नहीं है उस समूह में नहीं है तो हम उसमें देम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। द टीचर कॉल्ड अस। वी वेंट लुकिंग फॉर देम। वी हाइड एंड लुबीना लुक्ड फॉर अस। गिव देम सम वाटर। तो जिसमें हम हो यानी कि आप जिसमें इंक्लूड हो वहाँ पर अस का यूज़ होगा। जिसमें आपका ना आप इंक्लूड नहीं हो आपका कोई काम नहीं हो आपका रोल नहीं हो तो वहाँ पर देम का यूज़ होता है। जैसे डैडी गॉट डैश न्यू टॉयस। तो क्या होगा, डैडी किसके लिए लाए, अस, यानी डैडी गॉट अस हमारे लिए। नाउ टू वाला देखिए। द मोनिटर टुक डैश टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। द मोनिटर टुक अस टू द प्रिंसिपल ऑफिस। जो मॉनिटर है वो हमें प्रिंसिपल ऑफिस में ले गया था। द टीचर गेव डैश अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। द टीचर गेव देम अ बुक, क्योंकि वो दे रही है किसी और को दे रही है लेकिन उसमें मैं नहीं इंक्लूड हूँ। माई मदर्स फ्रेंड केम टू आर हाउस। मॉम वेंट टू वॉच अ मूवी विद देम। उनके साथ जा रही है तो उसमें मैं नहीं हूँ, मम्मा और उनकी फ्रेंड जा रही थी इसलिए देम का यूज़ करा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। इसमें मैंने बता ही चुकी हूँ, गर्ल्स होगी तो ही का शी का यूज़, बॉय होगा तो ही का यूज़, हिम का यूज़, हर का यूज़, इट का यूज़। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई एनिमल का नेम होता है तो इट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपको इन्हें मैच करना है। नाउ चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स वो वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। विशेषता मीन्स जैसे रेड स्कार्फ, रेड ड्रेस, ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये सब क्या है, क्यूट, ग्रीन, नॉइजी,
ये सब विशेषता बता रहे कि क्या चीज़ विशेष है। जैसे लुक एट दी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को देखिए। माई मदर गेव मी अ रेड स्कार्फ, द गार्डन हैड ब्यूटिफुल फ्लावर्स, आई बॉट सम कलरफुल बलून्स। द वर्ड्स रेड ब्यूटिफुल एंड कलरफुल डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स दैट कम आफ्टर देम। तो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यानी कि जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी विशेषता बताए, उन वर्ड्स, उन नेमिंग वर्ड्स को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, द किंग हैड अ ह्यूज पैलेस। ह्यूज मतलब बड़ा, तो किंग के पास कैसा पैलेस है? बड़ा। तो वही क्या बता रहा है कि राजा के पास बड़ा, यानी बड़ा, तो बड़ा क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो ह्यूज है। द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद अ हुला हूप। मीरा इज अ गुड स्विमर। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते क्या है। जैसे निकिल हैज़ अ क्विट पपी, तो क्वाइट, क्विट क्या है? क्विट जो है इसमें वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी कैसा, बहुत ही अच्छा पपी है। शी हैड अ रेड एप्पल इन हर बैग, तो रेड, रेड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसको सर्कल करना है। द टाइनी चिक वॉक थ्रू द फार्म, तो टाइनी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। मदर गॉट मी अ बंच ऑफ ग्रीन ग्रेप्स, तो ग्रीन क्या है? डिस्क्राइबिंग। सुलेखाज गार्डन हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 फिल करना है, जो आपके ब्रैकेट्स में वर्ड्स दे रखे हैं उनको देखकर आपको इसे फिल करना है। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लुक एट द गिवन सेंटेंसेस, फाइंड आउट द इनकरेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड इन ईच सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंसेस विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, वन इज डन फॉर यू। इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, अनन्या लिव्स इन अ लॉन्ग हाउस, तो हाउस लॉन्ग नहीं होता है, हाउस बिग होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं अनन्या लिव्स इन अ बिग हाउस। इसी तरीके से मीना हैज़ बिग हेयर, बिग हेयर नहीं होते, लॉन्ग हेयर होते हैं। बिग यानी तो बड़ा होता है, तो बड़ा थोड़ी है, बाल बड़े थोड़ी होते हैं, बाल तो लॉन्ग होते हैं, मतलब उनकी लंबाई होती है, तो मीना हैज़ अ लॉन्ग हेयर। सोनल इज़ अ लॉन्ग गर्ल, तो सोनल इज़ अ लॉन्ग गर्ल नहीं, सोनल इज़ अ गुड गर्ल। आपको बोला जाता है ना, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, तो ये गुड जो क्या है, डिस्क्राइब करा है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर डी और ई आपकी बुक्स के अंदर करना है। सो स्टूडेंट, जितना भी वर्क मैंने आपको बताया है, वो दोनों चैप्टर्स के वर्क आपको आपकी बुक के अंदर फिल करने हैं। थैंक यू।